प्रिया बदलानी और आप सबका स्वागत है प्रयास किचन में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सिंधी कढ़ी। बहुत हमारे पॉपुलर रेसिपी है, हम लोग कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। चलिए इसके लिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। इसके लिए हमें बेसन, राई, जीरा, हींग, टमाटो कटे हुए हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, हरा धनिया, हरी मिर्च, करी पत्ता है, इमली का पल्प है और कुछ वेजिटेबल्स हैं, आलू है, भिंडी है, ग्वारफली है, बीन्स है और भी कोई वेजिटेबल्स तो आप ऐड कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पैन में तेल डालते हैं। सबसे पहले आधा चम्मच राई है, राई क्रैकल होगी, उसके बाद हम लोग आधा चम्मच जीरा डालेंगे। राई क्रैकल होती है, हमने आधा चम्मच जीरा डाला है, 1 पिंच हींग है और यहाँ हम लोग अराउंड 2 चम्मच हमारा बेसन ले रहे हैं। हमने देखा ये कितना पिंक हो गया। एक्चुअली ये कुकर में बनती है लेकिन मैंने आप लोगों के कारण पैन में बनाया ताकि आप देख सकें कि बेसन कितना पिंक हुआ है। और अब हम लोग इसमें करीब 1 ग्लास पानी डाल देते हैं। कंटिन्यू स्टर करिएगा नहीं तो लम्स आ जाएंगे। उबाल आने से पहले ही हम इसमें मसाले डाल देते हैं, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्च अराउंड 1/2 चम्मच एंड हल्दी 1/4 चम्मच। जरूरत हो तो पानी और डाल दीजिएगा। एक सेमी थिक हमारी करी बननी चाहिए। उबाल आने के बाद हम लोग हमारी और चीजें डाल देते हैं। हमारे पास करी पत्ता है, हरी मिर्च है 1 काट रखी है मैंने मोटी सी, हरा धनिया, टमाटो है बारीक कटे हुए अराउंड 2 चम्मच, ग्वारफली है, भिंडी है, बीन्स, आलू, इसके अलावा आप फूल गोभी वगैरह यूज कर सकते हैं और ये है मेरे पास इमली का पानी। ये सब डालने के बाद हम लोगों को इसको, अगर आप कुकर में बनाते हैं तो 2 सीटी लगाएं, अदरवाइज अगर आप पैन में बना रहे हैं मेरी तरह तो आप लोग इसको कवर्ड करके धीमी आंच पे कम से कम 15 मिनट तक पकाना है। फ्रेंड्स, देखा आपने हमारी कढ़ी बनके तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको आप राइस के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। चलिए हम लोग सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना इजीली हम लोगों ने बनाया हमारा सिंधी कढ़ी। आप जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी लगेगी। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई शो।